नमस्कार दोस्तों, मैंने चैनल सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे आप प्रोजेक्टिल क्या होता है। प्रोजेक्टिल या हिंदी में बोलते हैं इसे प्रक्षेप। तो पहले तो जानिए प्रक्षेप क्या होता है। आप भी कोई अगर पत्थर फेंकते हैं ऊपर की ओर ना करके थोड़ा सा किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो जाते जाते जो है ऐसे जो है मतलब वक्र के रूप में जो है एक वक्र बनाता है, परवलय के रूप में जो है, और फिर से आगे जाकर गिर जाता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु की ऐसी गति जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रभाव सम्मिलित हो उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे आप जो है अब एक बॉल जो फेंक रहे हैं जमीन पे, तो वो तो उसको हम प्रोजेक्टिल नहीं कह सकते, उसको रैखिक गति कहेंगे, ठीक है। और वृत्ताकार गति में कोई घूम रही तो उसको वृत्ति गति बोलेंगे। लेकिन जब वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रभाव सम्मिलित हो तो उसे हम प्रक्षेप गति कहेंगे। प्रक्षेप गति के कुछ टर्म्स हैं। प्रक्षेप वक्र, जो जो मतलब जो पिंड जो है मतलब पिंड जब चलता है गति करता है तो जो वक्र बनाता है उसे हम प्रक्षेप वक्र कहते हैं। पिंड का जो वेग होता है उसे हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन या वेग कहते हैं, प्रक्षेप वेग। प्रक्षेप कोण, चूंकि देखिए प्रक्षेप कोण ना ऊर्ध्वाधर होता है ना क्षैतिज होता है, दोनों दोनों का सम्मिलित रूप है, इसलिए जिस एंगल पर फेंकते हैं उसको या पिंड को गति कराते हैं उसे हम प्रक्षेप कोण कहते हैं। उड्डयन काल, प्रक्षेप पथ पर चलते हुए पिंड जो है जितना टाइम लेता है उसका उड्डयन काल होता है। परास, जितनी दूर वो पिंड जाके गिरता है वही उसकी क्या होती है, क्षैतिज परास। परास की या क्षैतिज परास दोनों एक ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये आप देखिए, ये आपका वो जो है प्रक्षेप बिंदु है, यहाँ से वस्तु को फेंकी जा रही है। ये एक्स एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष है। अब ये जो है इसको अल्फा कोण पे फेंका जा रहा है। अल्फा क्या हो जाएगा, आपका प्रक्षेप कोण हो जाएगा। और यू जो क्या है, वस्तु का वेग है, यू वेग से इसको फेंकी जा रही है। और यह जब पी आपका जो है महत्तम बिंदु है, क्योंकि जब फेंकेंगे किसी एंगल पे तो गुरुत्वीय के अधीन यह गत करते हुए कि एक महत्तम ऊंचाई पर जाएगा, फिर से उसी हिसाब से जो है आपका जो है नीचे की ओर गत करेगा। तो ये आपका देखिए प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप पथ देख हमेशा याद रखिए परवलाकार होता है, और यहाँ से ओ से ए तक की जो दूरी हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी, यानी परास हो जाएगी। और ये ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लेगा इसका जो है उड्डयन काल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यह समीकरण है, समीकरण को वैसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। बस ये आप याद रखेंगे प्रक्षेप का पथ जो होता है कैसा होता है, परवलयाकार, ऐसे परवलयाकार। तो देखिए, ये आप अगर इंटर पढ़े होंगे मैथ से तो उसमें परवलय एक लेसन है, तो उसमें आप जानते होंगे। तो इसका समीकरण ये होता है वाई बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। एक्स क्या है, 36 दूरी है। वाई क्या है, ऊर्ध्वाधर दूरी है। अल्फा क्या है, 68 कोण है, सॉरी प्रक्षेप कोण है। और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, यू आपका इसका वेग है। ये जो है एक परवलय समीकरण के रूप का है, इसलिए जो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलाकार होता है। ये समीकरण को याद रखिएगा, ये कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, वाई बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं याद रखेंगे आप, इसमें न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। देखिए, सबसे पहले होता है उड्डयन काल। उड्डयन काल मैंने बताया है कि जो भी वस्तु वस्तु या पिंड जो है जितना टाइम लेता है अपने पथ को पूरा करने में वही उसका उड्डयन काल होता है। अब टी बराबर हो जाएगा टू यू साइन अल्फा बाई जी, यू उसका वेग हो गया, अल्फा जो है प्रक्षेप कोण हो गया। उड्डयन काल टी बराबर क्या होता है, टू यू साइन अल्फा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि क्षैतिज परास रेंज, रेंज का पहला अक्षर आर है, तो इसीलिए आर से दिखाते हैं इसको। इसको आप यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर टाइ साइन टू अल्फा बाई जी होता है। उड्डयन काल का क्या होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा, उड्डयन काल का फार्मूला टू यू साइन अल्फा बाई जी सिंपल सा होता है, कहीं स्क्वायर नहीं होता है। और क्षैतिज परास में आपका यहाँ पे यू पी स्क्वायर होता है और साइन टू अल्फा होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी हो जाता है। देखिए, रेंज कब मैक्सिमम होगा यानी कि परास कब अधिकतम होगी, जब ये प्रक्षेप कोण जो है आपका 45 अंश, ये आप याद रखेंगे प्रक्षेप कोण कितना होगा, 45 अंश। देखिए, मैक्सिमम परास के लिए साइन टू अल्फा का मान अधिकतम होना चाहिए। अब अधिकतम मान एक हो सकता है, साइन टू अल्फा बराबर एक कर रखेंगे, जब इसको ये साइन 90 अंश का मान है, 90 अंश जब करें लिखेंगे यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा, टू अल्फा बराबर 90 अंश आ जाएगा, टू से 45 का 90 काटेंगे तो 45 आ जाएगा।
मैक्सिमम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई आपका यही है, मैंने बताया कि ये बिंदु पी की, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से बिंदु पी की जो डिस्टेंस है, ठीक है, महत्तम ऊंचाई हो जाएगी। महत्तम ऊंचाई का मान क्या होता है, इसमें एच बराबर, महत्तम ऊंचाई को ऐसे दिखाते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू अल्फा बाई टू जी। महत्तम ऊंचाई का मान क्या होता है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू जी होता है, इसमें दोनों पे स्क्वायर होता है। अब अगर यही चीज आपका नत तल पर हो, जैसे नत तल पर उड्डयन काल, नत तल पर आप समझ ही गए होंगे, पहले बताएं इंक्लाइंड प्लेन, अगर ऊपर की ओर वस्तु को फेंकी जा रही है, तो इसका टी बराबर, यानी कि जो ये उड्डयन काल है, टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। फार्मूला यही होता है, टू यू साइन अल्फा, बस इसमें बीटा जोड़ देंगे और नीचे कॉस लगा देंगे, टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, सेम फार्मूला है, बस यहाँ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, नीचे कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यही जो अगर नीचे की ओर, मतलब ऊपर से जब आप नीचे की ओर फेंकेंगे, तो यही आपका सेम फार्मूला होगा, बस यही जो है माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा, यानी कि टी बराबर हो जाएगा टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई जी कॉस बीटा। बीटा जो है ये नत तल का कोण है, अल्फा क्या है, प्रक्षेप कोण है, जिस कोण पर जो है पिंड को फेंका जा रहा है, और जब जबकि बीटा इसमें क्या है, नत तल का कोण है, बस यही ऐड हो जाता है इसमें। यानी कि आप इसको याद रखेंगे, अगर ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो माइनस होगा, टू टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा जी कॉस बीटा, और जबकि अगर नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा जी कॉस बीटा। ये अब आप इसमें देखिए परास क्या होगी, ये तो आप दोनों उड्डयन काल हो गया, ऊपर और नीचे का, ऊपर में माइनस होता है, नीचे में प्लस होता है, ऐसे ही परास जब ऊपर की ओर होगा तो आपका हो जाएगा ये टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसमें भी बस वही चीज़ है, बस उस ऊपर जो है कॉस बीटा और नीचे कॉस स्क्वायर बीटा आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये छत यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी है, तो आपका ये आ जाएगा टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। वैसे कोई इतना ज़रूरी नहीं है, पूछता नहीं है, मेन चीज़ इसमें यह पूछता है कि नत तल पर एकदम परास के लिए कितना क्या होना चाहिए, क्या संबंध होता है। तो इसमें अल्फा बराबर होता है 45 प्लस बीटा बाई टू, बीटा क्या है, नत्तल का कोण है। अब अगर आप चाहें तो 45 को पाई के रूप में पाई बाई फोर लिख सकते हैं, और बीटा प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। यह नत्तल पर एकदम परास के लिए ये संबंध होता है, अल्फा बराबर 45 प्लस पाई बाई बीटा बाई टू होना चाहिए। अब यह परास तो ऊपर की ओर हो गई, अब यह परास नीचे की ओर जब करेंगे तो यही माइनस है, प्लस कर देंगे बस, आर बराबर टू यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।